हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के एसएसटी का एक लेसन है आर एग्रीकल्चर, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। लेसन की रीडिंग हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। सो बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स हैव ए क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। एक चैप्टर का क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको एक लेसन की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फिर से, द कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल। तो जमीन की जुताई और बुआई को हम कृषि बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल, इससे लोगों को खाने के लिए भोजन मिलता है। राइस, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस आर फूड क्रॉप्स। तो चावल, गेहूँ, मिलेट्स ज्वार बाजरा होते हैं, और दालें ये फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफी आर कैश क्रॉप्स। और ये कुछ जो फसलें हैं वो हमारे कैश क्रॉप्स कहलाती है, जिससे हमें इमीडिएटली पैसा मिल जाता है। बेटर क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड ट्रैक्टर्स हैव इनेबल्ड फार्मर्स टू ग्रो मोर एंड बेटर क्रॉप्स। तो अच्छी क्वालिटी के बीज, इरिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और ट्रैक्टर के प्रयोग ने किसानों को ज़्यादा फसल उगाने के लिए इनेबल कर दिया है। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो फल, फूल और सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फार्मर्स ऑल्सो कीप सम एनिमल्स, किसान अपने साथ कुछ पशु भी रखते हैं। दे आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक, उन्हें हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं। बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशिंग आर पॉपुलर इन इंडिया, भारत में मरीन फिशिंग और इनलैंड फिशिंग पॉपुलर है। चलिए आगे देखते हैं, रीड एंड आंसर, ये पढ़ के आपको आंसर देना है। मैच द कॉलम्स, आपको ये कॉलम्स मैच करने हैं, मींस यहाँ नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ आपकी क्रॉप्स दे रखी हैं और यहाँ पे कुछ रीजन दे रखे हैं इंडिया के, तो आपको मैच करना है कौन सी फसल कहाँ ज़्यादा होती है। फर्स्ट है राइस। अब राइस कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। ओके, कोस्टल रीजन है, वहाँ पर ज़्यादा राइस होती है। टी कहाँ पर होता है? टी सबसे ज़्यादा हमारा होता है आसाम में और वेस्ट बंगाल में। ओके, थर्ड देखिए, वीट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पंजाब और हरियाणा, ये दोनों पॉपुलर हैं वीट जनरेशन के लिए। कॉफ़ी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? कर्नाटका और केरला में। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिलेट्स सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? ये आपके होते हैं राजस्थान और तेलंगाना में। ओके, तो आपको ये फिल करने हैं या फिर आपको ये क्रॉस मैच करने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन डिफरेंट जो हमारे क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के नेम्स हैं, उनको उनके दो दो एग्जांपल लिखने हैं। लाइक मिलेट्स के दो एग्जांपल में आप क्या लिखोगे? आपने रीड किया था, देखो ये रहा, मिलेट्स में क्या आता है? ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो आप ये ज्वार, बाजरा और रागी यहाँ पे एग्जांपल्स में दे सकते हो, ज्वार, बाजरा। पल्सेस में क्या लिखोगे आप? पल्सेस के भी यहाँ पे एग्जांपल दे रखे थे, मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम। तो यहाँ पे मूंग एंड मसूर लिख दिया आपने, अरहर भी लिख सकते हो। कैश क्रॉप्स है थर्ड। कैश क्रॉप्स के क्या एग्जांपल्स हैं? अब कैश क्रॉप्स के एग्जांपल्स में ये कैश क्रॉप्स हैं, आप इसमें से लिख सकते हो शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी। तो कोई दो आपको लिखने हैं, शुगर केन एंड जूट लिख दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या हैं? ये आपने यहाँ पर रीड किया था, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको यहाँ पर लिखना है फ्रूट्स, फ्लावर्स। नेक्स्ट देखिए, लाइफ स्टॉक के एग्जाम्पल्स क्या हैं? लाइफ स्टॉक के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पर बफेलो, काउ, बुलक, शीप, गॉट, कैमल, म्यूल एंड याक। तो आपको इनमें से कोई दो लिखने हैं, हमने यहाँ पे शीप एंड गॉट लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंसर दीज क्वेश्चन, सी पार्ट देखिए। व्हाई कैन पीपल ग्रो मैनी क्रॉप्स इन इंडिया, भारत में लोग बहुत सारी फसलें क्यों उगा सकते हैं? तो यहाँ पर आपने रीड किया था, इंडिया हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड गुड इरीगेशन फैसिलिटीज टू ग्रो मैनी क्रॉप्स। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकेंड देखिए, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, राइट थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो आपको कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स के बारे में लिखना है क्या डिफरेंस है। तो
तो यहां से आप लिख सकते हो फूड क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी ईटन आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स, एग्जाम्पल्स राइस वीट मिलेट्स एंड पल्सेस। एंड कैश क्रॉप्स में क्या लिखोगे, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज इन इंडस्ट्रीज और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल जूट कॉटन टी कॉफी एटसेट्रा। ओके, तो ये आपने एग्जाम्पल्स भी दे दिए इनके और इनके डिफरेंसेस भी बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं, वट हैज लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिंस इंडिपेंडेंस। तो आप लिखोगे आर टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज सिंस इंडिपेंडेंस, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो आपको ये फैक्टर्स लिखने हैं, यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, मोर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर इरीगेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी। तो आपको यहाँ पे ये लिख देना है, हाउ आर काउज बफेलोज एंड बुलक्स यूजफुल टू अस। तो आप लिखोगे काउज एंड बफेलोज गिव मिल्क एंड दियर वेस्ट इज यूज एज मैन्योर, एंड सेकेंड लिखोगे बुलक्स आर यूज टू प्लग फील्ड्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड पुल कार्ट्स। तो ये हमारे दोनों लिख देने हैं आपको, काउ बफेलोज एंड बुलक्स के बारे में कैसे यूजफुल हैं। नेक्स्ट देखिए पांचवा, राइट द नेम्स ऑफ थ्री स्टेट्स वेयर इनलैंड फिशिंग इज पॉपुलर। तो आप लिखोगे यहाँ पर आपने पढ़ा था इनलैंड फिशिंग इज पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तीन के नाम लिखने हैं आपको, तो ये आपको लिख देना है। डी देखिए, थिंक एंड आंसर, जगराज सिंह इज अ फार्मर लिविंग इन बीकानेर राजस्थान, ही ऑन्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, विच क्रॉप शुड ही सो। तो जगराज सिंह जो है राजस्थान के बीकानेर में रहते हैं, उनके पास एक छोटा प्लॉट है, उन्हें उसमें क्या उगाना चाहिए। तो राजस्थान में देखिए क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, दाल भी कर सकते हैं राजस्थान में, या फिर ये कर सकते हैं मिलेट्स। ओके, छोटे प्लॉट में, तो आपको लिख देना है ये। नेक्स्ट देखिए, एनरिचमेंट एक्टिविटीज, एक्टिविटी क्या है, फर्स्ट गो टू अ मार्केट फाइंड आउट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दैट यू डू नॉट नो, आस्क वेयर दे कम फ्रॉम। तो आपको वेजिटेबल मार्केट में जाना है और आपको कुछ फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर्स देखने हैं जो आप जनरली नहीं देखे हैं आपने, और आपको वहां से पता करना है कि वो कहां से आते हैं। मैप वर्क, मार्क एंड लेबल द स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज 257। ये आपके क्लास टीचर करा देंगे। चलिए तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।